इवनिंग गाइस, आज हम आ चुके हैं गांव में और गांव का जो नज़ारा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस हमारे साथ बने रहो क्योंकि आज हमारा टाइम हो गया है वर्कआउट का। हम आज अभी रहने वाले हैं गांव में कम से कम 10 से 15 दिन, ठीक है गाइस। तो यहां भी हमारा वर्कआउट तो बनता ही रहेगा क्योंकि थोड़ा बहुत, चलो हम बाहर थे तो वहाँ हम जाते थे हम जिम वगैरह, ठीक है। पर अभी गांव में आए तो जिम का कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ आपको यहाँ कैसे हम गांव में है फिर भी हम कैसे वर्कआउट करते हैं आपको हम दिखाएंगे। आज हमारा है बाइसेप का वर्कआउट, तो आज हम आपको बताएंगे गाइस बाइसेप का। हमारे जो भाई लोग हैं ऐसा हम बहाना बनाते हैं, भाई क्या हमारे पास जो नज़दीक में जो जिम वगैरह नहीं है तो हम कैसे बॉडी को कवर करें। ऐसा नहीं है भाई, देखो घर पे रह के भी, घर में, होम में, यानी घर में रह के भी आपको बॉडी को कवर करना है तो आप कवर कर सकते हो, फिट रखना है तो फिट रख सकते हो। तो देखो आज हम बताएंगे, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं 2-4 दिन के लिए तो बात अलग है, पर 10-15 दिन के लिए जाते हैं तो हमें पूरी हमारी एक्सरसाइज को हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सरसाइज जितना हम चालू रखते हैं, अभी क्या है पहले से हमने एक्सरसाइज चालू रखा हुआ है तो अभी हम बंद करना नहीं चाहते। तो धीरे धीरे हमारा जो बॉडी का है आप देख सकते हो ग्रोथ हो रहा है हमारा बॉडी का, आप देख सकते हो। तो गाइस इसीलिए हमारी बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें हम एक्सरसाइज बंद नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो गाइस हम अब आपको बताएंगे कि हम यहाँ गांव में आ गए तो गांव का हम नज़ारा बताएंगे आपको आज कि हमारा गांव कैसा है। अभी हमारे घर से हमारी छत पे से अभी हमारा जो नीचे वाला जो फ्लोर है उससे ऊपर है हम, ठीक है, दूसरे वाले फ्लोर में है। तो वहाँ से हम कोई हमारा जो पर्सनली रूम है वहाँ अभी कोई नहीं है, तो हमने सोचा कि लाओ एक वीडियो बना देते और हमारे जो यूट्यूबर भाइयों हैं उनको बताएंगे भाई हम गांव पहुँच गए हैं, ठीक है। तो अभी वर्कआउट के वीडियो सारे थोड़े बहुत गांव के आते रहेंगे, ठीक है, और थोड़ा बहुत नया कुछ लाएंगे वो भी आता रहेंगे। तो आप एंजॉय करो, हम भी एंजॉय करेंगे। तो अभी आए हुए गाँव, तो अभी शादी वगैरह है तो भी वहाँ का जो वीडियो वगैरह अटेंड करेंगे वहाँ भी आपको बताएंगे, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस अब एक्सरसाइज चालू करते और लास्ट में एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा तो गांव का हमारा पूरा बाहर का जो व्यू रहता है वो सारा हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलो गाइस फटाफट से एक्सरसाइज स्टार्ट करते, चलो लेट्स गो। हमारा जो बाइसेप वर्कआउट है आज, तो बाइसेप वर्कआउट हम कैसे करते, हमने पहले गाइस ये जो रबर का जो ऑनलाइन हमने जो टीप मंगवाया हुआ है, ठीक है, तो इससे क्या बढ़िया रहता है। तो हमने ऐसा सोचा कि चलो गांव जा रहे हैं उसके पहले हमने ऑनलाइन मंगवा दिया है फ्लिपकार्ट में से, करीबन 200-250 में होता है ये पड़ता है हमको, ठीक है। पर ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये पूरा रबर का रहता है और इससे बहुत ही बाइसेप में लोड रहता है, तो थोड़ा बहुत अभी इसको यूज़ करना चालू कर दिया है गाइस। तो आपको भी हम यही सजेशन दे रहे हैं कि आप घर पे रहते हो और आपको कोई दिक्कत है, वर्कआउट वगैरह नहीं हो सकता है, ठीक है, जिम वगैरह पास में नहीं है, तो भी ऐसा नहीं सोच सकते कि वर्कआउट हमारे बॉडी को हम फिट नहीं रखते, ठीक है गाइस, फिट नहीं रख सकते, ठीक है गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं बाइसेप वर्कआउट। क्योंकि गाइस रोज़ाना हम वर्कआउट करते हैं तो हमको ऐसा मन से सोच लग रहा है कि जब वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, तो ही वर्कआउट स्टार्ट रखते हैं। गाइस कम से कम हम ये रस्सी से ज़्यादा 20-25 रैप लगा देंगे, धीरे धीरे स्लो स्लो। गाइस हम तो आप तो सजेशन दे रहे हैं कि आप एक बार होम घर पे ला के इसको यूज़ करें क्योंकि बहुत ही बेनिफिट है, इससे सारा एक्सरसाइज हो जाए, हमारा चेस्ट रहता है, बैक रहता है, बाइसेप रहता है, ट्राइसेप रहता है, शोल्डर रहता है, ठीक है, सारा एक्सरसाइज इससे हो जाता है, तो बढ़िया से ट्रेन हो जाता है। जिनको बॉडी सबसे ज़्यादा ग्रो करना है वो तो बेटर है जिम वगैरह या देसी जिम में जा सकते हैं, जिसको जिन जिन हमारे भाई लोग को जो खाली फिट रखना है बॉडी उनके लिए ये बहुत सही है।
आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा बाइसेप का जो ये वाला जो हिस्सा है उसको देखो कितना लोड रहे। हाँ ये वाला जो हमारा कंप्लीट है, इसके बाद हम पैर में रख देंगे, ठीक है, और दोनों हाथ से स्लो स्लो फिर हैमर कट लगाएंगे हम। गाइज हमारा जो बाइसेप वर्कआउट था वो तो थोड़ा बहुत हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है, ठीक है। पूरा हम वीडियो बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और हम फटाफट से वर्कआउट बाइसेप वर्कआउट ख़त्म करके और भी हम गाँव आए तो और भी काम है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ का नज़ारा बता देते हैं आप। तो गाइज आप देख सकते हो हमारे गाँव की जो जो पास वाला जो नज़ारा है वो देख सकते हो, हमने देख सकते हो गाइज यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो बहुत ही यानी बहुत ही यहाँ जो हम सिटी में रहते हैं यानी गांव में आते हैं तो वहाँ यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो सारे आते रहेंगे मज़ेदार और आपका सपोर्ट बढ़िया मिल रहा है। तो गाइज आप उम्मीद है कि आपका सपोर्ट ऐसा ही रहेगा, इससे भी अच्छा उम्मीद है कि इससे भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो चलो गाइज ऐसे ही नए वीडियो में नए एक अच्छा सा बढ़िया सा वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।